जी जनपद मुरादाबाद थाना भोजपुर का एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, उसके बारे में अवगत ये कराना है कि इस वीडियो में एक लड़की जो है वो पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इस लड़की के फूफा ने एक सूचना दी गई जिसमें 6 तारीख में इसमें सूचना दी कि ये मेरी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और घटना की तारीख इसने 1 बताई है और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसमें FIR करी है। FIR करने के बाद 161 CRPC में इसमें बयान हुए हैं, लड़की के माता पिता के बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता ने ये बताया है कि हमारी जो लड़की है उसको मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कतें रही हैं और इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके पश्चात 164 CRPC जो कि मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है उसके बयान हुए हैं। उन बयानों में भी ये निकल के आया कि जो लड़की है वो लड़के का भेद नहीं जानती है और किसी भी प्रकार से कोई ना बात अपनी बता पा रही है ना उनकी बात समझ पा रही है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो उसके माँ बाप हैं उनका बयान लेने के लिए बताया और बयानों में ये बात निकल के आई कि जो अवलोकन से हमें मिला है कि जो माँ बाप ने यही बोला है कि लड़की के साथ कोई प्रकार की घटना नहीं हुई है और हमारी लड़की बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत है, उसको ये चीज़ कंफर्म हुई और उसके बाद हमने मेडिकल रिपोर्ट कराया जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद जो विवेचना की गई उसमें एक आई विटनेस के द्वारा एक उसमें जो अभियुक्त है उसको वो मौके पे देखा गया है, उसके अनुसार उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके बाद और विवेचना में जो वहाँ के गाँव वाले हैं और उनके परिवारजनों द्वारा जो कि माँ बाप हैं एफिडेविट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि गांव के अंदर जो प्रचलित राजनीति है उसके अनुसार ही ये जो इनके लड़की के फूफा हैं और दूसरा एक व्यक्ति है इनके साथ मिलकर इन 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने एफिडेविट में भी बार बार यही बात करी है कि इनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और यह कोई घटना से इन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है और राजनीति के कारण ही ये जो घटनाक्रम है इसका स्वरूप बदल के इसको इस तक प्रकार से इसको दिखाया गया है और अभी इस पर विवेचना जारी है और जो भी होगा गुण दोष के आधार पर इसको निस्तारित किया जाएगा।